हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस और सम इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट आर रिलेटेड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आज की क्लास में वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन वेदर इंडिया कैन बिकम अ हाई इनकम इकोनोमी बाय इट्स हंड्रेथ एनिवर्सरी अभी हमारा सेवेंटी एनिवर्सरी था इंडिपेंडेंस का सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी

सो दे आर वेरियस कैटेगराइजेन वर्ल्ड बैंक की खुद की कैटेगराइजेशन है दैन वी हैव दी यूनाइट नेशंस हैविंग इट्स ओन कैटेगराइजेशन और जब यूनाइट नेशंस का कैटेगराइजेशन है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम द वर्ल्ड बैंक कैटेगराइजेशन इन देंस फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगापुर में उनकी जो पर कैपिटल इनकम है द पर पर्सन इनकम इन सिंगापुर इज़ सो ह्यूज इट इज़ अराउंड डॉलर सिक्सटी फोर थाउजेंड सिक्सटी फोर थाउजेंड डॉलर पर पर्सन की पर कैपिटल इनकम मानी जाती है सिंगापुर में बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया को भी डेवलपिंग माना जाता है देफो सच अटेगराइजेशन विल नॉट बी यूजफुल क्योंकि हम यहाँ पे जी एन आई दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम को यूज करके ये पता करेंगे कि वेदर इंडिया कैन बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी बाई टू थाउजेंड फोर्टी सेवन सो so, इसकी बात कहाँ से शुरू हुई तो अगर आपने इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच सुनी होगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन उन्होंने वहाँ पे ये बताया था ही सेट इन हर स्पीच दैट वी वॉन्ट टू सी इंडिया एस अ विकसित विकसित दैट इज अ डेवलप नेशन बाय हर हंड्रेथ एनिवर्सरी सेवेंथ फिफ्थ में वी वॉन्ट टू बिकम अ विकसित अ डेवलप नेशन बाई टू अब सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कैटेगराइजेशन की है अब ये जो कैटेगराइजेशन है ये चेंज होता रहता है चेंज क्यों होता है बिकॉज विद द पैसेज ऑफ एवरी ईयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑल्सो चेंजेस सो जैसे जैसे स्टैंडर्ड चेंज होता है आपका जो कैटेगराइजेशन है कि आप लो इनकम हो कि हाई इनकम हो वो भी चेंज होता रहेगा सो दिस कैटेगराइजेशन इज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 और यहाँ पे चार कैटेगरीज़ हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक कहता है जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंडिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ओवर दे कैन बी कैटेगराइज इन टू फोर मेजर कैटेगरीज फर्स्ट इज़ दी लो इनकम इकोनॉमीज़ जहाँ पर उनकी इनकम लेस देन वन थाउजेंड एटी सिक्स डॉलर है वॉट इज दिस वन थाउजेंड एटी सिक्स सो दिस इनकम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टॉक्स अबाउट जी एन आई दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पर पर्सन इनकम की बात कर रहा है यहाँ पे जी क्या होता है ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं आपने अपने क्लासेस में कवर किए होंगे मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम होता है इट कंसिस्ट ऑफ योर जी द मार्केट वैल्यू ऑफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया इंडिया के अंदर जितने भी कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी मानते हैं प्लस एनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है सो so, एन वो सपोज इंडिया के कुछ लोग बाहर हैं ठीक है, है वहाँ कमाई कर रहे हैं वो जो पैसा इंडिया में भेजते हैं द मनी दैट वी रिसीव फ्रॉम आउटसाइड मनी जो रिसीव करते हैं माइनस मनी दैट वी पे कुछ बाहर के लोग इंडिया में आके काम कर रहे होंगे उनको जो हम पैसा वापस करते हैं जो इसका डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बाहर से नेट जो हमने पे कर दिया उसके बावजूद कितना इनकम हमें बाहर से एक्सेस मिल रहा है इफ़ वी एड बोथ ऑफ दीज द जी डी पी एंड द एन एफ आई ए दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर ग्रॉस नेशनल इनकम इस ग्रॉस नेशनल इनकम को अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे इंडिया इंडिया की अगर 130 करोड़ जनता है अगर उससे डिवाइड कर दोगे देन इट विल बिकम योर जीएनआई पर कैपिटा आई होप आपको ये समझ आ गया तो जो लो इनकम इकोनॉमीज होती हैं कंट्रीज होती हैं उनकी जी पर कैपिटा वन से भी कम होती है ठीक है इफ़ यू टॉक अबाउट लोअर मिडल उनका ये रेंज होता है विद इन फोर टू फाइव फाइव डॉलर्स अपर मिडल की फोर थाउजेंड डॉलर्स अराउंड फोर थाउजेंड डॉलर से थर्टीन थाउजेंड डॉलर्स पर पर्सन होनी चाहिए और जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं उनकी थर्टीन थाउजेंड से अगर ऊपर है थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव डॉलर से ऊपर है अगर उनकी पर कैपिटा इनकम दे विल बी कंसिडर्ड एज़ अ हाई इनकम इकोनॉमी तो ये कैटेगराइज़ेशन है विच हैज़ बिन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक अब अगर हम देखें इंडिया कहाँ लाई करती है इफ़ यू टॉक अबाउट वेयर दस इंडिया लाइज सो इंडिया की जो अभी हमारी जो जी एन आई पर कैपिटा है इट इज़ अराउंड टू थाउजेंड डॉलर्स टू थाउजेंड डॉलर्स के आस पास है एंड दे फो वी लाई विद इन दी लोअर मिडल इनकम इकोनमी और हम ये चाह रहे हैं इस एनालिसिस के थ्रू ये जानने के लिए दैट व्हाट इज द ग्रोथ रेट कितना कितने रेट पे हमें ग्रो करना चाहिए सो दैट वी कम इन दी हाई इनकम इकोनोमी हम दो थ्रेश होल्ड को सरपास करना चाहते हैं जंप करना चाह रहे हैं ठीक है अब आप बोलोगे कि अब हम ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स दैट इज़ इन दयर टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन जब इंडिया अपनी हंड्रेथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही होगी तब हमारी ये जो कैटेगराइजेशन होगी दैट विल ऑल्सो चेंज वाई एज आई सेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा ग्रोथ बढ़ेगी सब कुछ को लेते हुए इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग दिस कैटेगराइजेशन विल चेंज और इन्होंने मेंट ने एनालिसिस करा है एंड बेस्ड ऑन एक्स्ट्रापोलेशन जो यहाँ पे मेथड लिया गया है उसी को यूज़ करके इन्होंने 25 फाइव ईयर्स को अग्रीगेट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करके ये फिगर्स लाए हैं और इन द ईयर टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन दिस विल बी द न्यू कैटेगराइजेशन जहाँ पे इंडिया आज की डेट में अगर इंडिया इधर है लो इनकम इकोनॉमी में वो रेंज अब 1500 से 5000 हो जाएगी और इंडिया को तब 18000 एंड अब 18000 के अबव पर कैपिटल इनकम होना पड़ेगा इफ़ इट वांट्स टू बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी सो दिस कैलकुलेशन इज एंटायरली फॉर एनालिसिस पर्पस आई होप आपको ये समझ आ गया ना लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कैन इंडिया कैन रियली बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन क्या ऐसा हो सकता है तो ये कहा गया है कि इंडिया एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में है एंड इट इज आर गोल प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें अपने हंड्रेड एनिवर्सरी के टाइम तक एक विकसित देश बनना है ठीक है अब इसको करने के लिए जो ये हाई इनकम कैटेगराइजेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी जीएनआई पर कैपिटा विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन और ये ये भी दर्शाता है कि जो कंट्रीज सिमिलर नेचर के होते हैं बीट इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ गवर्नेंस इन अगर ये सिमिलर ट्रेंड शो कर रहे हैं देन दे विल कॉन्स्टिट्यूट एन इकोनमी विथ हाई इनकम हाई इनकम कैटेगरी अब वाई इज दिस सो इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वाई आर वी इवन थिंकिंग और वाई इवन द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि हमें एक हाई इनकम इकोनॉमी बोलनी है तो वी विल नीड टू गो इन टू द पास्ट अगर हम पास्ट में जाएं तो सिंस 1997 अगर आप 1997 से 2022 अभी की बात करो तो ये 25 साल हो गए वी आर स्टैंडिंग एट 2022 इससे 25 साल पहले दैट इज 97 और इससे 25 साल बाद दैट इज़ 2046 थाउजेंड फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन तो दीज आर दर्स जिसको हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बोला जा रहा है कि 25 साल पहले से अगर हम अपनी एनुअल ग्रोथ रेट देखें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो एक्चुअली अराउंड ट्वेल्व परसेंट या फिर सिक्स परसेंट रही है एनुअलाइज अगर आप करंट प्राइसिस पे देखो नॉमिनल प्राइसिस पे जो जिस साल की जो प्राइस है उस प्राइस पे देखो तो अराउंड ट्वेल्व परसेंट हमारी एनुअल ग्रोथ रही है इसके अलावा हमारे जो कांस्टेंट प्राइस है अगर बेस प्राइस को लेकर चलें तो वो अराउंड सिक्स परसेंट रही है दैट मीन्स कितना एक्चुअल इंक्रीज़ हुआ है हमारे गुड्स एंड की प्रोडक्शन में सो द करंट नॉमिनल प्राइसेस शोज इंक्रीज इन प्राइ इंक्रीज और डिक्रीज इट इज चेंजेस इन द प्राइसेस एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर जो हमारा कांस्टेंट प्राइसेस है वो आपका चेंजेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिखाता है और इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जी पर कैपिटा रहा है दैट हैज़ इंक्रीज टेन फोल्ड मतलब 1997 में हमारा 14,500 पर कैपिटा था बट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ अगर हम आज की डेट पे देखें अपनी जीडीपी पर कैपिटा देन दैट इज अराउंड वन लैख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज अब हम रुपीज़ में देख रहे हैं है द कैटेगराइजेशन वॉज इन तो अब कन्फ्यूज मत होना तो हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है अब ये हो गया हमारा जीडीपी। अगर हम टोटल इनकम की बात करें दैट इज़ दी जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम करंट प्राइसेस पे आर ग्रॉस नेशनल इनकम हैज़ बिन इंक्रीजिंग एट एट पॉइंट फाइव हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है एट पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ रेट पे इंक्रीज़ कर रही है एंड दिस इज़ अज नंबर अगर हम हर साल एट पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव परसेंट पे इंक्रीज़ कर रहे हैं इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमने फाइव टाइम्स इंक्रीज़ किया है अर्लियर हमारा फोर डॉलर्स था और आज की डेट पर जो मैं आपसे बता रही थी आर GNI per capita is dollars 2170. So therefore we lie in this lower middle income economy. 2170 dollars Hamara GNI per capita hai. ठीक है. अब और भी factors देख लेते हैं कि पिछले 25 साल में इन पास्ट 25 फाइव ईयर्स में और क्या क्या चेंजेस हुए एक चीज़ देख लिया जीडीपी हमारी अराउंड 12 परसेंट करेंट प्राइस पर इंक्रीज़ हुई है जीएनआई हमारी 8.5 पॉइंट परसेंट पर एनुअलाइज ग्रोथ रेट रही है उसके अलावा फिर टॉक अबाउट द एप्रिसिएशन और द डेप्रिसिएशन इन आर रुपी तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है दैट इज़ आर रुपी हैज़ रफली फॉलन डाउन बाय अराउंड फिफ्टी अगेंस्ट अव एस डॉलर हमारा 1997 में अराउंड थर्टी वन डॉलर इज़ इक्वल टू रुपीज़ थर्टी फाइव था बट आज की डेट पे अभी तो और वर्सन हुआ था इन द लास्ट एंड द लास्ट टू लास्ट मंथ अराउंड एट्टी भी टच हुआ है रुपी इट इज़ अगर हम मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो सेवेंटी फाइव पॉइंट एट रुपीज़ है पर वन डॉलर तो ये भी है कि एक्सचेंज रेट्स हमारे गिरे हैं इसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट डबलिंग ऑफ द इनकम तो दो तरीके हैं अगर ये हमने 25 साल की डायरेक्ट बात कर ली अब ये ग्रोथ देखते हैं कि कैसे हुआ था सो इफ सी द्रोथ तो दो हज़ार से लेकर 2019 तक सो विद इन दिस 10 ईयर्स अगर 10 लास्ट 10 ईयर्स की डेटा देखें तो हमारी इनकम डबल हो गई थी 10 ईयर्स में फ्रॉम 1000 थाउजेंड टू टू ठीक है ये बात कर रहा है हमारे जी की उसके बाद इफ़ वी सी बिफ प्रायर टू 2008, अगर अगेन टू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फाइनेंशियल क्राइसिस इसी साल हुआ था उस टाइम तक की डेटा देखें अगर 2000 से लेकर 2008 तक की डेटा देखें तो हमारा जो ग्रोथ रहा था ऑफ आर जी एन आई देट वॉज मोर देन डबल हमने 2003 से 2003 से 2008, अराउंड पाँच साल विद इन फाइव ईयर्स वी वर एबल टू डबल आर इनकम तो ये माना जाता है जैसे जैसे आप डेवलप्ड बनने की तरफ जाते हो तो आपकी ग्रोथ डेवलपिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा रहती है डेवलप्ड जाते जाते वो थोड़ा सा ऐसे स्क्यूड हो जाती है राइट ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हो जाती है बट इट इज स्टिल इंक्रीजिंग इन एन इंक्रीजिंग माना तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि वॉट वॉज द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ इन केस ऑफ इंडिया टिल 2008 इट वॉज़ अ फास्टर वन हमने पाँच सालों में ही डबल इनकम uh, कर ली थी अपनी इफ टॉक अबाउट आफ्टर 2008 थाउजेंड एट थोड़ा स्लो डाउन हुआ बिकॉज ऑफ सर्टन न्यूमरस फैक्टर्स और दस साल लगे हमें अपनी जी एन आई को डबल करने के लिए ना लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस जो मिंट ने करी थी तो मिंट ने बेसिकली मैं बताती हूँ इन्होंने क्या करा है इन्होंने बेसिकली ये फोरकास्ट करने की कोशिश करी है कि लेट्स अज्यूम एक एक ग्रोथ रेट ले लेते हैं अब हमने ये देख लिया कि इंडिया हैज़ बीन रफली ग्रोइंग एट अराउंड एट पॉइंट फ़ाइव परसेंट तो इसके अराउंड लेट्स टेक सर्टन रेट एट पॉइंट फाइव ले लेते हैं टेन परसेंट ले लेते हैं ऐसे या फिर एक मिक्स्ड रेट ले लेते हैं जैसा यहाँ पे हुआ है एज़ यू कैन सी दो हज़ार मतलब पाँच सालों के लिए हमारी ग्रोथ रेट सपोज फिफ्टीन परसेंट पर थी और इस साल हमारे टेन परसेंट पे हैं सपोज दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल तो इन तीनों कैटेगरी को मेंट ने एनालाइज करने की कोशिश करी कि दो सालों के लिए एक रेट ले लिया फिर आगे दो सालों के लिए उससे थोड़ा कम ले लिया तो ऐसे रेट्स लेके लेट्स सी कि हम किस साल तक हाई इनकम इकोनॉमी पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं सो दिस इज़ द कैटेगरी अभी लोअर मिडिल इनकम पे हैं हमें ये सरपास करना है और यहाँ पहुँचना है दो थ्रेशोल्ड को जंप करना है हमें सो कैन वी डू दिस सो so, इस फोरकास्ट को करने के लिए कुछ एजम्पन्स होते हैं एज़ यू ऑलरेडी नो कुछ भी आप फोरकास्ट करो वहाँ पे कुछ एजम्पन्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये अज्यूम किया है कि हम इन्फ़्लेशन को और एक्सचेंज रेट को बिल्कुल कैटर नहीं करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट एक ऐसी चीज़ है जो वोलाटाइलिटी लेकर आती है और जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो या फिर रिसर्च करते हो यू टेक सर्टन थिंग्स एज एजम्पन अगर हम कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट रखें फिर देखें कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सो देन वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं अगर आप सब वेरिएबल्स को एक पॉइंट पे लोगे तो कोई रिज़ल्ट आपको निकल के नहीं आएगी तो अगर आपको ऐसे रिज़ल्ट चाहिए जो बहुत कंक्लूसिव हो यू नीड टू टेक सर्टन सर्टन वेरिएबल्स एज कॉन्स्टेंट और कुछ वेरिएबल से ही आपको पता करना है कि उन वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट है हमारे आउटपुट uh, पे योर आउटपुट कुड बी योर इकोनॉमी योर ग्रोथ योर डेवलपमेंट या फिर कुछ भी जो आप पता करना चाह रहे हो थ्रू योर रिसर्च थ्रू योर हाइपोथेसिस। तो इस फोकास्ट में मिंट ने ये किया है कि हम एक्सचेंज रेट को नहीं लेंगे ना हम इन्फ्लेशन रेट को लेंगे एंड दिस इज द क्राइटेरिया हाउ वर्ल्ड बैंक ऑल्सो डज दी कैटेगराइजेशन जो हमने पहले चार कैटेगराइजेशन देखा था वो भी इसी क्राइटेरिया पे था जी एन आई आप सबको पता है आपकी कंट्री की इनकम जितनी है उसको आपने अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो देन यू गेट योर जी एन आई अब इन्होंने तीन लिए हैं ठीक है जो मैंने आपसे डिस्कस किया एंड दे हैव डिवाइडेड जी एन आई बाई द यू एन प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन यू एन ने प्रोजेक्ट किया है कि दो हज़ार फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन तक वट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो उस पॉपुलेशन को लेकर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द जी एन आई तो लेट्स लुक एट सिनारियो वन सिनारियो वन में इन्होंने ये एज्यूम किया है दैट आर इकोनॉमी विल ग्रो एट द सेम रेट दैट इट इज़ ग्रोइंग हमने अभी रीड किया जो हमारी जी एन आई है इट हैज बिन इंक्रीजिंग एट अराउंड एट पॉइंट फाइव परसेंट तो इन्होंने एट पॉइंट फोर एट परसेंट दैट इज़ अराउंड एट पॉइंट फाइव परसेंट लिया है एंड देन देव ट्राइड टू प्रोजेक्ट कि अगले पच्चीस साल में द नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स में क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन रहेगी इंडिया की ठीक है

अगर हम 8.5 परसेंट ग्रोथ रेट लेके चलें तो हमारा जो ग्रोथ ग्रोथ रेट रहेगी 2046-47 आफ्टर 25 फाइव ईयर्स वेन इंडिया विल बी अचीविंग इट्स हंड्रेड एनिवर्सरी और हंड्रेड इंडिपेंडेंस तब तक हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगा जो हमारा जीएनआई रहेगा जीएनआई पर पर्सन दैट विल बी अराउंड 14,000 फोर्टी वन डॉलर्स और हम अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में ही रह जाएंगे हम ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे हम हाई इनकम कैटेगरी में नहीं पहुंच पाएंगे इसका ये मतलब हुआ जो इंडिया के करंट एट पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ रेट है इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर इंडिया टू रीच और इवन सर दिस हाई इनकम कैटेगरी इसके लिए वी विल हैव टू हैव अ हायर ग्रोथ रेट मोर देन दिस एट हायर देखो अगर हमें हाई इनकम कैटेगरी में जाना है तो हमें सिक्सटीन थाउजेंड को सरपास करना है सो दिस इज सनारी वन अगर सेम रेट पे अगर आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो आप हाई इनकम नेशन नहीं बन सकते नाउ लेट्स कम एंड टॉक अबाउट सिनारीो टू एंड सिनारी थ्री सिनारीो टू में इन्होंने ऐसा अज्यूम किया है दैट टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी एट परसेंट लेते हैं देन सिक्स परसेंट इन ट्वेंटी थर्टीज थर्टीज़ तक सिक्स परसेंट एंड फोर परसेंट इन ट्वेंटी फोर्टीज़ ट्वेंटी ट्वेंटीज़ ट्वेंटी थर्टीज़ एंड ट्वेंटी फोर्टीज़ मतलब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से टू थाउजेंड थर्टी तक आप कितने परसेंटेज देख रहे हो एट परसेंट रेट देख रहे हो टू थाउजेंड थर्टी वन से टू थाउजेंड फोर्टी तक आप सिक्स परसेंट ग्रोथ देख रहे हो एंड फाइनली फ्रॉम टू फोर्टी वन एंड टू टू थाउजेंड फोर्टी सेवन वी आर टेकिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच इज इट फोर परसेंट फोर सिक्स एंड एट टू टू परसेंट का हमने वो किया है जैसे मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ग्रोथ रेट आपका बढ़ता है बट बढ़ एट अ स्लोइंग रेट अगर आप ऐसा करने जाओ अगर वी इफ यू आर टेकिंग दिस तो हमारी जो इंडियन इकोनोमी है उसकी प्रोजेक्शन क्या रहेगी वो बस सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी सिक्स वो आ एट थाउजेंड की लिमिट को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है और टू थाउजेंड थर्टी फाइव थर्टी सिक्स तक दो हज़ार पैंतीस छत्तीस तक वी विल बी एबल टू कम टू अपर मिडल अपर मिडल हम 2036 तक पहुंच जाएंगे बट जो हमारा हाई इनकम इकोनॉमी बनने का सपना रहेगा वो नहीं हो पाएगा वी विल नॉट बी अ डेवलप नेशन क्योंकि हम 8000 को भी पार नहीं कर पा रहे कहाँ हम उसका डबल 16000 को कैसे हम अचीव करेंगे सो so ये भी आपका फेल हो गया अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ऑप्टोमिस्टिक लिया है नाउ दे हैव टेकन अ ग्रोथ रेट ऑफ टेन परसेंट फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर अगर हम टेन परसेंट पे चलना शुरू करें देन अराउंड 2031, 35 तक हम हम हाई अपर मिडिल इनकम बन रहे थे नाउ बाई द ईयर 2031, 32, वी विल बी एबल टू मेक अप टू द अपर मिडिल इनकम और फाइनली इन द ईयर 2046, 47, वी विल बिकम अ हाई इनकम इकोनमी तो हमें क्या रेट चाहिए मिनिमम रेट कितना होना चाहिए हमारी ग्रोथ की हमारा एनअलाइज्ड ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए तो इट शुड बी एटलीस्ट एंड एटलीस्ट एट पॉइंट 8.9 परसेंट इन ऑर्डर टू सरपास दिस लिमिट बाय 2047. अगर दो अगर अपने 100th इंडिपेंडेंस तक अगर हमें 100th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी तक इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ डेवलप नेशन We need to have a minimum growth rate, a minimum annualized growth rate of 8.9%. दैन ओनली वी ली able to become a high income economy so this was a very beautiful analysis जहाँ पर उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक की कैटेगराइजेशन है उसको लिया उसको एक्स्ट्रापोलेट करके दो तीन सिनेरियोस दिखाए और फिर बताया कि हमारा मिनिमम ग्रोथ कितना होना चाहिए अब अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू बी अ डेवलप नेशन हमें अपने ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा हाउ कैन वी डू दिस सो दे आर वेरियस वेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी वी नीड टू बिकम अ सेल्फ सफिशेंट नेशन जब तक हम सेल्फ सफिशेंट नहीं बनते वी विल नॉट बी एबल टू रीच टू दैट लेवल उसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे होने चाहिए हमारी जो रुपी है डोमेस्टिक करेंसी इट्स शुड बी स्टेबल इनफ सो दैट हमारा जो ग्रोथ है वो भी स्टेबल रहे एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द क्रिएशन ऑफ जॉब अनएम्प्लॉयमेंट कम होना पड़ेगा एंड जॉब क्रिएशन इज ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर एबल टू बूस्ट आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको और ज़्यादा कमर्शियल बना पाएँ और जो ये डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है उसको खत्म कर पाएँ सो दिस आर द वेज थ्रू विच नाउ वी नो कि हमें अपना ग्रोथ इंक्रीज करना है इफ़ यू आर एबल टू मैनेज एंड मेंटेन ऑल ऑफ दीज इफ आर एबल टू अचीव दिस targets then ओनली वी कैन say दैट by आवर 100th एनिवर्सरी वी विल बी एबल टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन अ विकसित देश ठीक है अगर अब कुछ और डेटा देख लेते हैं सो दिस इज़ द डेटा नाउ दिस डेटा बेसिकली ट्राइज टू कंपेयर इंडिया विथ वर्ल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देन विथ चाइना एंड देन दर एशियन कंट्रीज तो अगर हम देखें जो हमारा वर्ल्ड जी है वो हमारा ट्वेल्व थाउजेंड सेवेंटी के आस है चाइना की बात करें तो चाइना इज़ वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा इनकम दैट इज़ अराउंड 11,890। अब चाइना और इंडिया की बात ये कही जाती है कि इन्होंने जो अपना ग्रोथ शुरू किया था वो बेसिकली सिमिलर टाइम जोन में ही करा था देन वाई इज़ चाइना सो अहेड ऑफ इंडिया आप इंडिया देख सकते हो इंडिया इज हियर एट द लोवेस्ट हमसे ऊपर तो बांग्लादेश है बांग्लादेश इंड वियतनाम हैव बीन एबल टू sarpass india their per capita income is much more than what india is having how is china doing that china ki jo gni growth hai that has been more than 18 times why is that so first and foremost jo china ki currency hai that is very very stable उनकी appreciation होती रहती है उनकी करेंसी की. therefore जो the उनका gni है, in terms of dollar terms it is very high secondly चाइना हैज़ बिन एबल टू मैनेज एंड मेन्टेन अ स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ एट पॉइंट फाइव परसेंट एनुअली एनुअली उनका एट पॉइंट फाइव परसेंट से ज़्यादा ही रहा है जब से उन्होंने अपनी ग्रोथ शुरू करी है सो दीज आर द रीजन्स वाई चाइना इज डूइंग सो वेल और उनका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है चाइना तो दीज आर द रीजन्स वाई चाइना हैज़ सर पास्ट इंडिया कैन यू सी द्यूज डिफरेंस आप ही डिफरेंस देख सकते हो इंडिया और चाइना में दीज आर सम अदर डेटा ये ये बता रहा है कि पिछले ट्वेंटी फाइव ईयरस में वॉट हैज़ बीन द चेंज तो अगर हम टोटल वन सिक्सटी एट कंट्रीज़ के हमारे पास डेटा हैं इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी सेवन दैट इज़ इन द पास्ट ट्वेंटी फाइव ईयरस पीछे हमारे जो लो इनकम कैटेगरीज थे वो सिमिलर रहे हैं एंड द लोअर मिडल इकॉनमीज जो कंट्रीज़ लोअर और लोअर मिडल में रहे हैं द नंबर इज़ ऑलमोस्ट द सेम द डिफरेंसेज हैज़ कम इन दी हाई इनकम ग्रुप पहले थर्टी थ्री थे अब फिफ्टी टू हो गए हैं ठीक है उसके अलावा हमारे जो अपर मिडिल हैं अपर मिडल सो अपर मिडल इज दिस वन राइट द डार्क वन सॉरी सो अपर मिडल हैज़ बीन ट्वेंटी नाइन एंड फोर्टी सिक्स अभी देख लेना डायग्राम दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट ये दिखाना चाह रहा है कि इन द पास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स People or country have been able to move to the high income category. So it is achievable. Nahin. It is achievable provided you take all the measures and achieve your target. Now let's talk about why India has not been able to grow to the extent China has done. China itna growth, kaise humne kyun kiya? so for the first and foremost reason is the lack of proper structural reforms. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे हमारा जो फोकस रहता है वो एक्सपेंडिचर कम करने पे रहता है एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब तक आप अपने कंस्ट्रक्शन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पब्लिक uh, यूटिलिटी जो होती है पब्लिक गुड्स इन एक्सपेंडिचर नहीं करोगे तब तक आपकी जो इकॉनॉमी है वो इतनी डेवलप नहीं कहलाएगी आपके रोड्स अच्छे होने चाहिए यो टेली कम्युनिकेशन शुड भी गुड यू इंश्योरेंस सेक्टर शुड भी गुड आपके जो uh, अर्बन हाउसिंग है या फिर रूरल हाउसिंग है हाउसिंग शुड भी दिए प्रॉपर पक्का हाउस शुड भी दिए ऐसा नहीं कि uh, कच्चे हाउसेस में अभी भी लोग रह रहे हैं प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड भी दिए पर हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये यूजुअली कम रहता है एंड दिस इज़ अंड्रेंस टू आर इकॉनमिक ग्रोथ बिकॉज हमारा जो टैक्स ग्रोथ है ये बहुत कम है सो वॉट वी आर डूइंग हमारा टैक्स कम है अब गवर्नमेंट के पास इनकम होगी तभी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर पाएगा सो so, गवर्नमेंट के पास इनकम आ नहीं रही टैक्सें टैक्स इनकम आ नहीं रही सो वॉट वी आर डूइंग वी आर ट्राइंग टू रिड्यूज़ आर एक्सपेंडिचर सो दैट हमारी ग्रोथ बनी रहे एग्री के डिमांड हमारी जो ग्रोथ है वो बनी रहे एक्सपेंडिचर को कम करके हम अपनी ग्रोथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ नेग्लेक्टिंग एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया है कि एग्रीकल्चर आज भी इंडिया में सब्सिस्टेंस बेसिस के लिए होता है सब्सिस्टेंस का मतलब होता है तो आप अपने कंजम्पशन के लिए कर रहे होते हो तो जब तक आप कमर्शियल पर्पसिज़ के लिए नहीं ले जाओगे एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक बूस्ट नहीं करोगे इरिगेशन फैसिलिटीज़ और अच्छी तक नहीं प्रोवाइड करोगे मॉनसून प्रोडक्शन ऑल ऑफ़ दिस प्रोवाइडिंग वेयर हाउस ताकि उनकी जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो ख़राब ना हो प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज जहाँ पर वो अच्छे दामों पर अपने गुड्स को ना बेच पाएँ तब तक एग्रीकल्चर हमारा सफ़र करता रहेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप नहीं हो पाएंगी इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादातर प्राइवेट कंजम्पशन लेड है रादर देन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही कम है कंजम्पशन ज़्यादा है इट इज़ द कंजम्पशन बाई दाउस होल्ड्स दैट इज़ इंक्रीजिंग द ग्रोथ हमारा ग्रोथ कंजम्पशन बेसिस पे ही है ना कि इन्वेस्टमेंट्स पे जब तक हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे अपनी इकॉनॉमी में तब तक आपकी इकॉनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है उसके अलावा एक बड़ी दिक्कत समस्या आप कह लो जो हमारी इकोनॉमी में है दैट इज़ दी फोर बैलेंस शीट चैलेंज अब तक आपने ट्विन डेफिशट प्रॉब्लम पढ़ा होगा नाउ वी हैव दी फोर बैलेंस शीट चैलेंज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में अभी मैं आपको छोटा छोटा बता देती हूँ फोर बैलेंस शीट चैलेंज ये होता है कि दे आर चैलेंजेस इन द फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड दीज सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव व्हाट आर दीज सेक्टर्स हमारे बैंक्स हो गए देन वी हैव द नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज एन बी आर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनली द रियल इस्टेट्स तो ये दोनों आ गए हमारे एक साइड में इन दिस टू ऑन दी अदर एंड दीज आर पॉजिंग फोर बैलेंस शिड चैलेंज और फोर बैलेंस शिड प्रॉब्लम फॉर आस इस वजह से हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इनकी इसी में ग्रोथ नहीं है इसी में एफिशेंसी नहीं है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हाउ कैन वी इंश्योर फर्स्ट वी नीड टू रिवाइव आर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को हमें एंकरेज करना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट करें अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करें लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें क्योंकि इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर जब तक वो अपना दुकान नहीं खोलता कोई बिजनेस सेटअप नहीं करता वो लोगों को हायर नहीं करेगा वो जब तक वो लोगों का हायर नहीं करेगा जॉब क्रिएशन नहीं होगी सेकेंड थिंग ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी डिमांड बढ़ेगी इसकी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जॉब क्रिएशन होगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू दी ग्रोथ ऑफ आवर इज़ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत ही नीचे हैं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में है दैट इज वेरी वेरी लो पहले थर्टी वन परसेंट होती थी बट बिकॉज ऑफ द कोविड कोविड की वजह से इट हैज रिड्यूस्ड बाई ट्वेल्व टेज एंड इट इज अराउंड नाइन्टीन परसेंट एज ऑफ नाउ उन्नीस परसेंट फीमेल की पार्टिसिपेशन है हमारे लेबर फोर्स में एंड यू नो जो हमारी विमेन है विमेन कॉन्स्टिट्यूट फिफ्टी परसेंट अराउंड रफली फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल लेबर फोर्स अगर वही अगर पचास परसेंट इंडिया की जनता काम ही नहीं करेगी दाउ विल द प्रोडक्शन इंक्रीज एंड हाउ विल ग्रोथ इंक्रीज़ तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है इसीलिए एक कंसेप्ट है एक फिननलन है जिसको हम बोलते हैं फेमुनाइजेशन यू वॉट इज़ इज फेमुनाइजेशन यू फेमुनाइजेशन यू का मतलब होता है जब भी एक कंट्री एक डेवलपिंग स्टेज पर होती है तो ये देखा जाता है एक हाइपोथसिस है कि जब भी इकोनॉमी एक डेवलपिंग स्टेज पर होती है इनिशियली उसकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है मतलब जो पार्टिसिपेशन रेट होता है फ़ीमेल्स की फ़ीमेल पार्टिसिपेशन रेट इनिशियली कम होता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि थोड़े टाइम बाद वो बूस्ट कर जाए तो हमें फेमिनाइजेशन यू कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है इस हाइपोथेसिस को सही साबित करना है और ये इंश्योर करना है कि हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है जो आज की डेट पे 19 परसेंट है उसको हम बूस्ट करके उसको इंक्रीज़ कर सकें ठीक है उसके अलावा दे आर मेजर शॉक्स फॉर इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट इज़ द ग्लोबल ट्रेड इतने सारे जियो पोलिटिकल टेंशनज़ हैं अनसर्टेनिटीज़ हैं और आपको भी पता है हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है एट द ग्लोबल लेवल काफ़ी स्लो डाउन हो गया है और स्लो डाउन की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गई हैं एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो हमारा जो ग्रोथ है वो भी कम होगा तो आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है कि आप ऐसे और कई बार गवर्नमेंट क्या करती है सब्सिडी टैरिफ्स uh, लगा देती है टैरिफ्स को नहीं लगाना है हमें वी हैव टू लगाओ बट इसलिए लगाओ कि कंपटीशन बढ़े देर शुड बी कॉम्पिटिटिवनेस नॉट जस्ट टू इंश्योर कि लोग कम इम्पोर्ट करें आप लगाओ बट इट शुड बी सच कि पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर थिंग्स इन इंडिया ऐसा ना हो कि आप बस चाइना से मंगवा ले रहे हो चीज़ें और इंडिया में कुछ कर ले रहे हो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है फॉर आर इकॉनॉमी टू बिकम अ हाई इनकम इकॉनॉमी और अ डेवलप्ड इकॉनॉमी एंड द लास्ट मेजर शॉक दैट इज अफेक्टिंग आर ग्रोथ इज द क्लाइमेट कंसर्न क्लाइमेट के वजह से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है हमारी ग्रोथ को एक वैसे ही ग्लोबल क्लाइमेट इतनी सही नहीं है सेकेंडली बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट इशू हमारा जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दी क्लाइमेट अगर एग्री अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो हमारा एग्रीकल्चर सफ़र करने वाला है तो इसको हमें ध्यान में रखना है एंड वी नीड टू इंश्योर कि हम ऐसे लो कार्बन स्टेप्स लें सो दैट वी आर एबल टू हेज हम हेज कर पाएँ अपने फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क को तो अभी से हमें लो कार्बन पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सो दिस आर द रीजन्स हाउ इट हैज़ अफेक्टेड आर ग्रोथ एंड दिज आर सर्टन वेज इन विच वी विल वी कैन अंडरटेक इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हमारे हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो एटलीस्ट एट पॉइंट नाइन परसेंट रहे फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स इन ऑर्डर टू से इन ऑर्डर टू हैव अ हाई इनकम इकोनोमी सो दिस वॉज ऑ ऑल फोर टूडे आई होप आपको समझ आया होगा अच्छा लगा होगा आज का ये जो मिंट का एनालिसिस रहा है एंड कीप लर्निंग ऐसे कुछ न्यूज़ हों जो आपको डिस्कस करना हो ट्राई डूइंग इट ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको वहाँ लिख कर आना है या एम सी क्यू फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है राइट देर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग हेयर इज वेल ताकि इंटरव्यू में आप इन सब चीज़ों को कोट कर पाओ अगर आपसे पूछ लिया इंटरव्यू में कि मोदी जी ने किस बेसिस पे ऐसा बोला है सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि डेवलप नेशन क्या होते हैं यू की कैटेगराइजेशन क्या है वर्ल्ड बैंक की कैटेगराइजेशन क्या है एंड हाउ वेन डज ए कंट्री एक्चुअली बिकम्स अ डेवलप नेशन तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पढ़ते रहो समझते रहो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक द सेशन कीप लर्निंग एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर